So students, today we are going to start with a new module, module 3, which is surface and interfacial phenomenon. The first important thing before starting this module is that we must be clear about the fact ki what is an interface and what is a surface. Interface or surface kya cheez hoti hai bache? Interface or a surface is a boundary. ये बाउंड्री है बिटवीन व्हाट बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस. हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया. स्टेट्स ऑफ मैटर में वी हैव डिस्कस कि वी बेसिकली हैव थ्री डिफरेंट स्टेट्स. वी हैव सॉलिड स्टेट, वी हैव लिक्विड स्टेट एंड अ गैसियस स्टेट. डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री को हम इंटरफेस और सरफेस कहेंगे. ब्रॉडली जो टर्म यूज होती है बच्चे वो होती है आपकी इंटरफेस. मतलब दिस इज एन अम्ब्रेला, आप इसको कह सकते हो कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर आपकी सरफेस आ जाती है. सो व्हेन वी स्टडी वी बेसिकली डिवाइड दिस इंटरफेस इनटू टू. हम इस इंटरफेस को दो में डिवाइड कर देते हैं. एक होती है अपनी सॉलिड इंटरफेस, वन इज योर सॉलिड इंटरफेस एंड द सेकेंड वन इज योर लिक्विड इंटरफेस. जब हमने इसको स्टडी करना है एक हमारी कैटेगरी होगी सॉलिड इंटरफेस एंड सेकेंड विल बी आर लिक्विड इंटरफेस. सॉलिड इंटरफेस के अंडर बच्चे आपके आ जाते हैं सॉलिड एंड लिक्विड बाउंड्री. आपका कोई सॉलिड लिक्विड में पड़ा है वो वाली बाउंड्री आ जाएगी. दैट इंटरफेस कम्स अंडर इट सॉलिड एंड गैस की बाउंड्री. ये दो बाउंड्रीज जनरली आपकी सॉलिड इंटरफेस. The third boundary, which is your solid to solid boundary, ये हालांकि आप pharmaceutical applications इनकी देखोगे in the field of pharmacy you will find few applications. For example, जब आप tablet को compress करते हो तो आपके different different ingredients हैं, सारे solid phase में present है. जब आप उसको compress करोगे तो क्या होगा, उनकी void spaces जो है वो reduce होगी, है ना. वॉइड में क्या प्रेजेंट होती है, गैस प्रेजेंट होती है. तो आपकी गैस जब रिमूव आउट हो जाएगी फ्रॉम द वॉइड, ठीक है, तो आपका एक सॉलिड पार्टिकल विल इंटरैक्ट विद द अदर सॉलिड पार्टिकल. बट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरफेस विल नॉट बी कवर्ड इन दिस चैप्टर और इसको हम इतनी इलैबोरेट फॉर्म में नहीं स्टडी करेंगे. हियर वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंड सॉलिड गैस इंटरफेस अंडर माई फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटरफेस विच इज सॉलिड इंटरफेस. In liquid interface, we will study about liquid-liquid boundary. दो immiscible liquids को जब मैंने mix कर दिया, दोनों के बीच में जो boundary बनेगी, that will be my liquid-liquid interface. And we will be studying the liquid-gas boundary. ठीक है बच्चे, ये दोनों interfaces हम under liquid interface study करेंगे. Gas-to-gas इंटरफेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग अंडर इंटरफेशियल और सरफेस फिनोमिनल नहीं स्टडी करते. ठीक है बच्चे, द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ अ सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस. आई हैव सेड दैट इंटरफेस इज अ अम्ब्रेला टर्म, है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है. दैट मीन्स सरफेस इसके अंडर ही आती है. Out of these combination which I have listed over here, the combination with your gaseous phase, जिसमें एक phase आपकी gas हो, then that interface is called, तब उस interface को हम क्या बोल देते हैं, surface. That means surface is also an interface. कि कब हम term use करते हैं, when one of the phase is your gas. With this basic information, we will start with our chapter, which is surface and interfacial phenomenon, under which we will first cover our liquid interface. हम सबसे पहले liquid interface study करें, जिसमें हमारे पास liquid in liquid and liquid in gas वाली हैं boundaries. ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक diagram है जिसमें एक beaker है जिसमें water fill किया हुआ. ठीक है बच्चे, as the boundary is between your liquid and your gas, so we call this interface a surface. इस interface को हम surface बोलेंगे. मेरे पास दो conditions हैं. One condition is where my molecule is present in the bulk. जो मेरा blue liquid में molecule present है, I'm considering this particular molecule. मेरा molecule bulk में पड़ा था. Forces of attraction between like molecules को हम क्या बोलते हैं,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स को हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, अधेसिव फोर्सेस. सो आई विल बी यूजिंग द टर्म कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस. यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैं बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ और बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. सो फर्स्ट इज द केस व्हेन आई एम कंसिडरिंग माई मॉलिक्यूल इन द बल्क, जो मेरे लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट. अगर मेरा सेंटर वाला मॉलिक्यूल मैं कंसिडर करती हूँ, वो सराउंड हुआ हुआ है विद द सेम और लाइक मॉलिक्यूल से, और इट इज फेसिंग कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. उसके इमीडिएट नेबरहुड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल कर रहे हैं अपनी तरफ. ठीक है बच्चे, बट बिकॉज ऑन ऑल द साइड्स द मॉलिक्यूल्स आर शोइंग दैट कोहेसिव फोर्सेस, सो ओवरऑल फोर्स ऑन माय मॉलिक्यूल इज जीरो. यहाँ पे जो ओवरऑल फोर्स मेरे मॉलिक्यूल पे लग रहा है वो बिल्कुल जीरो है. व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल मेरा चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस कर रहा. नाउ लेट्स कंसिडर अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट नियर द सर्फेस. इस मॉलिक्यूल की हम बात अगर कंसिडर करें, मेरा मॉलिक्यूल सर्फेस के पास प्रेजेंट है. हेयर द मॉलिक्यूल्स और द लाइक मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे क्लोज विसिनिटी में, वो नीचे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और उसके साइड में ज़्यादा प्रेजेंट. Or you can say the presence or you can say the absence of like molecules above your molecule of interest. जो मेरा molecule surface पे पड़ा है उसके ऊपर क्योंकि like molecules नहीं present, so cohesive forces मेरे inward act ज़्यादा कर रहे हैं. कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, सारे मॉलिक्यूल्स की एड अप करूं, तो मेरी नेट इनवर्ड पुल उस पर लग रही है. अबव दैट सरफेस जो मेरी ये डॉटेड लाइन है, दीज मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर गैस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस. ये मेरी गैस के मॉलिक्यूल्स है, और यू कैन से मेरे वाटर के मिसिंग मॉलिक्यूल्स. उसकी जगह कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? गैस के मॉलिक्यूल्स. दीज टू मॉलिक्यूल्स जो आपके डॉटेड में शोन है, इफ आई अज्यूम दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट मींस कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल? दीज आर माय अधेसिव फोर्सेस. एज अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन योर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, especially in the case when you are talking about liquid-liquid interaction and liquid-gas interaction. Liquid ke molecules liquid molecule ke saath better interact karenge as compared to ki wo gas ke molecules ke saath interact. So, ek imbalance ban jata hai mere between cohesive and adhesive forces of attraction, or you can say that there is net inward pull which my molecule is facing, jo mera molecule surface pe pada. Theek hai bache, ye jo net inward pull hai, this is responsible for this surface or interfacial edge. This is responsible why my surface or interfacial tension always forces my molecule to have its minimum surface area. ठीक है बच्चों, so moving ahead, if I want to explain what or define what a surface or interfacial tension is, the force per unit length that must be applied parallel to the surface so as to counterbalance the net inward pull is your surface tension. Here just identify that this force जो हमने पीछे बात की कि हमारा नेट इनवर्ड पुल लग रहा है मॉलिक्यूल पे, तो नेट इनवर्ड पुल के जो लग रहा है मॉलिक्यूल पे वो क्या फोर्स करेगा मेरे इस मॉलिक्यूल को? जो मॉलिक्यूल मेरा सरफेस पे पड़ा है उस पे नेट इनवर्ड पुल लग रहा है, वो मेरे मॉलिक्यूल को फोर्स करेगा कि वो सरफेस छोड़ के बल्क में आ जाए. ठीक है, और ब्रॉडली अगर मैं बोलूं तो मेरे सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की ये टेंडेंसी होगी कि वो सरफेस को लीव करके बल्क में आने की कोशिश करें, और यू कैन से माय लिक्विड सैंपल विल ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया, ताकि उसके कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस को एक्सपोज हो. ठीक है बच्चे, अब वो जो नेट इनवर्ड पुल है
उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस, जो उसको काउंटर कर रहा है, दैट इज योर सरफेस टेंशन, जो बेसिकली यू कैन से रिजिस्ट करता है मेरे एक पर्टिकुलर शेप को कि वो डी शेप ना हो जाए, उसकी शेप लूज ना हो जाए, मेरी वाटर ड्रॉपलेट की शेप स्फेरिकल ही रहे, उसको यू नो फोर्स करता है कि वो उसी शेप में रिटेन रहे, दैट इज योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमेशा पैरेलल लगेगी टू द सरफेस, और ये किसको काउंटर करती होगी, जो नेट इनवर्ड पुल मेरा फेस कर रहे हैं मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट। इसको मेमोराइज करने के लिए आई हैव शोन दिस फिगर, यू कैन से दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट अ मॉलिक्यूल इज फेसिंग ऑन द सरफेस। लेट्स अज्यूम दिस इज योर मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे वेट है ये मेरा मॉलिक्यूल था सरफेस पे, इसको नेट इनवर्ड फोर्स लग रही थी लिक्विड सैंपल में, बिकॉज मेरे कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माय एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्यों है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मेरे मॉलिक्यूल हमेशा टेंडेंसी रखता होगा कि वो नीचे मूव करे, बल्क की तरफ मूव करे। जो मेरी सरफेस टेंशन है दैट इज बेसिकली दिस मैन ट्राइंग टू पुल दिस वेट अबव दैट पुली, दैट इज माई सर्फेस टेंशन। ये कहाँ को एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग पैरेलल टू माई सर्फेस, ठीक है, मेरी सर्फेस के पैरेलल जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो बेसिकली मॉलिक्यूल को नीचे मूव करने से, बल्क में मूव करने से प्रिवेंट करता है, काउंटर करता है, दैट इज योर सर्फेस टेंशन। सेम डेफिनेशन में व्हेन यू रिप्लेस द सर्फेस विद एन इंटरफेस दैट बिकम्स योर इंटरफेशियल टेंशन। तो इंटरफेशियल टेंशन क्या होगी, द फोर्स पर यूनिट लेंथ that must be applied parallel to the interface so as to counterbalance the net input, ठीक है, वो मेरी होगी interface। Units बचे, in CGS system it is dyne per centimeter, in SI system it is newton per meter, क्योंकि ये per unit length है, this tension is acting per unit length, इसलिए per centimeter और per meter, dyne और newton are the force units of force, so this is force per unit length, और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है बच्चे। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट यू नो स्टेटमेंट विच वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग इंटरफेशियल टेंशन एंड सरफेस टेंशन। सेम लिक्विड की अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर फिक्स कर दिया मेरा लिक्विड, ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग एन इंटरफेशियल टेंशन इन विच वन ऑफ द लिक्विड इज योर वाटर and I'm comparing it with the surface tension, उसको मैं surface tension से compare कर रही हूँ, then interfacial tension हमेशा कम होगी than the surface tension। अगर मैं इसको example के साथ बताने की कोशिश करूँ, I have one sample where I have liquid which is water here and above it I have oil, ठीक है, तो जो बाउंड्री होगी बिटवीन माय ऑयल एंड माय वाटर दैट विल बी माय इंटरफेस, है ना, तो यहाँ पे मेरी इंटरफेशियल टेंशन एक्ट कर रही है। दूसरा सैंपल जो मेरे पास है, हियर आई हैव वाटर, मेरे पास वाटर है एंड जो बाउंड्री है, जो सरफेस है मेरे वाटर की, हियर माय सरफेस टेंशन इज एक्टिंग। नाउ द सैंपल ओवर हियर इज सेम, वाटर है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट केस में, इन द केस ए आई हैव इंटरफेस, इन केस बी आई हैव सरफेस, तो सेम सैंपल की हमेशा इंटरफेशियल टेंशन कम होगी देन द सरफेस टेंशन। अगर मैं रीजन बताने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, इंटरफेस में जो मेरे दोनों केसेस में कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ही है, बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस आर बिटवीन लाइक वन, हेयर द एडहेसिव फोर्सेस जो मेरे बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मेरे ऑयल एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। और आप कह सकते हो कि एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड अ लिक्विड है, ठीक है बच्चे। इन द सेकेंड केस, द केस बी, हेयर कोहेसिव फोर्सेस हमने पहले बात की, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही है, एडहेसिव फोर्सेस जो मेरे एक्ट कर रहे हैं दैट इज बिटवीन माय गैस मॉलिक्यूल एंड माय वाटर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में,
or you can say it is between the gaseous phase and the liquid phase. So strength of adhesive forces between the gas and the liquid phase hamesha hamesha less hogi than the adhesive forces of attraction between your liquid and liquid. और यू कैन से कि ये वाले एडहेसिव फोर्सेस हमेशा गैस और लिक्विड की एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे, है ना. एडहेसिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतने वो बेटर काउंटर कर सकते हैं आपके कोहेसिव फोर्सेस को जो कि बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स है. जितने बेटर वो काउंटर कर लेंगे उतनी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अपने मॉलिक्यूल को सरफेस पे रखने के, क्योंकि कुछ काम आपके एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं. इसीलिए इंटरफेशियल टेंशन्स आर ऑलवेज लेस देन योर सरफेस टेंशन.